स्वागत है। ये दुपट्टा तो बना लिया मैंने और ये बनाऊंगी कुर्ती। इस दुपट्टे की वीडियो अपलोड कर दी है। ये वेलवेट का कपड़ा है, इसका ये अस्तर लगाऊंगी या लैस लगाऊंगी जो दुपट्टे का लगाई है, और ये लैस के नीचे गोल्डन कपड़ा। ये मैं कर लूँ इसकी कटिंग। ये कपड़ा खोल लिया हमने, पहले इसकी करनी उतार ली। ये जो करनी है इसकी कटिंग कर लूँ। ये दोनों साइड की कानी तार ली, ये मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये डबल फोल्ड में ले लूँगी और इसने सीधे की कटिंग करूँगी मैं। उल्टे की कटिंग करूँगी तो यूँ चिपक जाएगा, यूँ कटिंग करना मैं बहुत ही परेशानी होगी। ये यूँ उल्टा की कटिंग करांगे तो यूँ खिसकागा कोनी, नो चिपक के खड़ा हो जाए कपड़ा, इस करके मैं सीधे की कटिंग करा करूँ हूँ। ये उल्टा पासा इस साइड है और सीधा पासा इस साइड। कुर्ती की लंबाई है 45 इंच, तीरा 6 इंच, छाती 32 इंच, कमर 28 इंच और हिप 40 इंच, बाजू की लंबाई है 20 इंच। इस नाप के अनुसार करूँगी मैं कुर्ती की कटिंग। डबल फोल्ड में बिछा लिया ये, इसकी लंबाई रखूँगी मैं 40 इंच, 45 इंच तैयार रखूँगी और ये 40 इंच पर निशान लगा लिया। 45 इंच तैयार रखूंगी, आधा इंच नीचे तो चला जाऊंगा मार्जिन में और आधा इंच ऊपर तय सिलाई में, नहीं तो ज़्यादा 2 इंच और फालतू रखो और नीचे तो मोड़ उड़ जाए। ये लैस लगाऊंगी इसका, इस करके ना मैं ये आधा इंच ही रखूंगी इसका मार्जिन। इसका ये लैस लगेगी नहीं, ये मोड़ के नहीं लग जाएगी, नहीं तो 2 इंच और फालतू लेंगी मैं मार्जिन खातर। ये रख ली लंबाई, ये लगाऊंगी तीरे का निशान। तीरा है 6 इंच, ये 6 इंच पर निशान लगा दिया और आर्म होल है रखूंगी 6.5 इंच, आधा इंच बढ़ा के रखूंगी तीरा तय। 6.5 आर्म होल और कमर का निशान लगाऊंगी 14 इंच पे और इसका 21 इंच पे। इन्हें सीधे मिला लूंगी। छत्ती है 32 इंच, 32 इंच का चौथा हिस्सा हो गया ये 8 इंच और आधा इंच थोड़ी लूजिंग दूंगी क्योंकि एकदम टाइट टाइट सही को नहीं आओगा। 8.5 पर निशान लगाऊंगी, ये 8.5 पर निशान लगा लिया और कमर है 28 इंच, 28 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 7 इंच और 7.5 इंच पर आधा इंच बढ़ा के लगाऊंगी निशान। ये 7.5 इंच पर निशान लगा दिया और इप है 40 इंच, 40 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच, यार तो 10 इंच रखूंगी और इन निशाना ने आपस में मिला लूंगी। ये फिटिंग का निशान है। ये कुर्ती की फिटिंग का निशान है और इप दूंगी इसकी लूजिंग। ये 2 इंच मार्जिन रखूंगी, 2 इंच छाती पर है और 2 इंच कमर पर है और 2 इंच इप पर है। ये हो गया मार्जिन, ये भी इन्हें सीधा मिला दूंगी और इब आर्म होल की गोलाई देंगी। ये 6.5 इंच है तो 3/4 पर निशान लगाऊंगी। ये 3/4 पर है, आधा इंच अंदर की तरफ लेके ना इस पर तो गोलाई दे दूंगी। ये आर्म होल की गोलाई दे दी और गले की कटिंग करूंगी बाद में, बुकरम के साथ मना करूं मैं गला। ये भी इस पर तो ये कटिंग कर दूंगी और इसने पहले पिनअप कर लूँगी। पिनअप कराया पाछे पिछले हिस्से की कटिंग कर दौड़ी, यू नूना नूना को नहीं लगा, न्यू का न्यू रहोगा, कटिंग कर दौड़ी आसानी होगी। ये होगी फ्रंट भाग की कटिंग।
एम करूंगी बैक पार्ट की कटिंग, ये फ्रंट वाला हिस्सा इस पर रखूंगी, ये अच्छे से बिछा लूंगी। कुर्ती का अगला हिस्सा पिछले हिस्से पर बिछा लिया, ये पिन अप करया पाछे बहुत आसानी हो जाए बिछाना पर, नूना नूना को नहीं सरकता, यू नू का नू रह जावे है, कटिंग कर दोड़ी बहुत आसानी होगी। ये बिछना इसका अगले हिस्से का तो लैस लगाऊंगी और पिछले हिस्से में 2 इंच मोड़ूंगी, 2.5 इंच ले लूंगी इसने बढ़ाए के ना पिछले हिस्से ने, क्योंकि यो तो फोल्ड होगा कौन, इसका तो लैस लगेगी 2.5 इंच जाओगा इसमें तो, और यो फोल्ड होगा पिछला हिस्सा, ये 2.5 इंच बढ़ाए के ले लूंगी। ये 2.5 इंच पर निशान लगा दिया, ये 2.5 इंच बढ़ा के ले लिया, और इसका सिर्फ यही निशान लगाना है आर्म होल का ही, ये 1/2 इंच बढ़ा के लेना है, ये आर्म होल का निशान लगा दिया, और यूं का यूं कटेगा पिछला हिस्सा, तो ये साइड का निशान लगा दिया, सिर्फ यही बढ़ा के लेना है, और 2.5 इंच ये बढ़ाया है क्योंकि इसका ये लैस लगेगी, सिर्फ ये 1/2 इंच मार्जिन का जाओगा अगले हिस्से में, तो इस करके ना मैंने ये 2.5 इंच पिछला हिस्सा बढ़ा के लिया, ये भी इस पर को कटिंग कर दूंगी, और बैक पार्ट का गला की भी बाद में ही कटिंग करूंगी। ये कुर्ती की कटिंग होगी अगला पिछला हिस्सा की, ब्रैगी बाजू जो यो कुर्ती का साइड में तब बचा था कपड़ा, इसमें तो बाजू बनाऊंगी, कमीज की साइड में तो जो कपड़ा बचा था उसमें तो ये बाजू निकालूंगी, ये 21 इंच ले ली, 1/2 इंच सिलाई में चला जाऊंगा मार्जिन में, और 20 इंच की तैयार रखूंगी मैं, इसमें आगे बढ़ाए के मार्जिन को दूँ, इसका भी जिस तरह कमीज की जोड़ी का लैस लगाऊंगी नुए इसका लगाऊंगी, 1/2 इंच जाऊगा इसमें मार्जिन खोल लिया आगे बढ़ा के फोल्ड खातर, और 9 इंच पर ये निशान लगाऊंगी आर्म होल खातर, और 3 इंच पर ये, और 2 इंच बढ़ा के न लूंगी अड़ा इस पर तो गोलाई दे दूंगी आर्म होल की, ये गोलाई दे दी, और ये फ्रंट भाग की 1/2 इंच अंदर की साइड लेके ना 4.5 इंच रखूंगी मैं बाजू की मोरी, और 2 इंच मार्जिन, 4.5 इंच पता है ऐड निशान लगा दूंगी, ये 2 इंच पता, ये फिटिंग का निशान है, और ये मार्जिन का, और इस पते भी कटिंग कर दूंगी। ये 4 फोल्ड में लिया कपड़ा, दोनों बाजू साथ में ही निकलेंगी, और ये 2 पल्ले उठाऊंगी फ्रंट भाग की भी कटिंग कर दूंगी, ये 2 नीचे छोड़ दिए, और ये 2 यहाँ की कटिंग कर दूंगी, ये आर्म होल की अगला भाग की कटिंग, ये होगी बाजू की कटिंग। 3.5 मीटर अस्तर ले लिया, ये ट्राउजर का भी लाइजेगा और कुर्ती का भी, पहले कुर्ती का लगाऊंगा और इसके ऊपर बिछा दूंगी, ये अस्तर पर बिछा दिया फ्रंट भाग, और इसने 2 इंच नीचे तो छोड़ दूंगी, ये इतना ये निशान लगा दू, और ये चुगरदा इसे जो यू कमीज रख रखा है इसे जितना निशान लगा दो, इसका जो यू साइड है ऐडे तो कटिंग कर दूंगी, ये ऐड को इसका दोरा दोरा कटिंग कर दूँ इसकी, और फिर इस नन्नू कानू रखे रखा है ना सुई गला सिल दूंगी, मैं तो आधारी सुई गला सिल लिया करूँ, सिलाई भी लगा इसको हो मशीन गला भी,
ये अस्तर लगाना जरूरी भी नहीं होता, इतना मोटा कपड़ा हुआ है यो, फिर यो चुंबक की तरह बॉडी का चिपकन लायक जाए, इस करके लगाया करूँ मैं तो, बॉडी ने पकड़ करन लायक जाए यो कपड़ा, ज़्यादा सर्दी में चुंबक की तरह चिपक जाए, इस करके ना मैं तो अस्तर लगा ही लिया करूँ सारे, जो भी वाल बैठ के सी लिया करूँ। ये जो मैंने पैर रखा है इसका भी लगा रखा है, अस्तर की कटिंग कर ली, ये भी इसने यू का यू रखा है, इसने मोटी मोटी ये सुई गला सील लूँगी, मोटे मोटे टाके मार दूंगी, ये लगा को नहीं, बांगा चिंगा को नहीं होगा, सिलाई भी लगा सको हो, पिन अप करके ना सिलाई भी लगाई जा इसका, इसका। और मैं तो ज़्यादातर हाथ गला ही करया करूँ हूँ अस्तर की सिलाई, ये मोटे मोटे टाके मार दूंगी इसका, 2 मिनट में लग जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये करूँगी मैं गले की कटिंग बुकरम पे, ये चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच, 2.5 इंच पे निशान लगा, लंबाई रखूँगी 6.5 इंच, 6.5 इंच रख, 7 इंच लेंगी, 1/2 इंच सिलाई में चली जाओगी, 6.5 इंच रह जाएगी। और ये बॉक्स बना लूँगी चौरस, गोल गला बनाऊँगी और इस पर तैयार गुड़ाई दे दूँगी, ये गले की गुड़ाई दे दी, ये 1/2 इंच रखूंगी, ये 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये निशान लगा लिया 1/2 इंच पर, और इसने भी गुड़ाई कर दूंगी। ये पिन अप कर लिया, ये चिपकाने वाला है, पेस्टिंग वाला है, ये इस साइड तक चिपकेगा, ये होगी गला की कटिंग, ये पिन काट दूंगी वह, देखो ये भी इसने अस्तर वाला कपड़ा का चिपका दूंगी, ये अस्तर वाला कपड़ा पर रखूंगी गला और इसने चिपका दूंगी, और यू एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी। ये गला का सिलाई लगा ली, और ये भी इसने इसका बीच सेंटर में रखूंगी, फ्रंट बाग का ये निशान ला रखा है, और इसका भी निशान लगा लिया, और इस नई पिन अप कर दूंगी, ये पिन अप कर लिया, ये भी इसका बुकरम का दोरा दोरा सिलाई लगा दूंगी, और पिछला गला की भी कटिंग कर लूँ, पहले कठिया ला दूंगी इनका सिलाई, गला की कटिंग करूँगी, ये 2.5 इंच लूँगी चौड़ाई में, और लंबाई में 8 इंच, और 2.5 इंच एडत लूँगी, और ये बॉक्स बना लूँगी 2.5 इंच का और 8 इंच का, और इस पर ये गुड़ाई दे दूँगी। और ये कटिंग कर दूँगी इस पर, और इसका ये अस्तर है नहीं तो अलग अलग हो जाएगा, इसका सिलाई कर दूँगी, और अस्तर में तो इसकी उरेब में पट्टी काट लूँ लान खातर, ये उरेब में कपड़ा ले लिया डबल फोल्ड में, देखो, और ये 1 इंच की पट्टी काट लूँगी, 1 इंच पर निशान लगाऊँगी, और ये गला की पट्टी काट ली, ये भी इनका सिलाई कर लो, ये बुकरम का सारा सारा सिलाई लगा लो, ये निशान लगा लिया, इसके ऊपर कोई भी कटिंग कर दूंगी, ये थोड़ा थोड़ा छोड़ के ना, ये पिन निकाल दूंगी, और छोटे छोटे कट लगा दूंगी इसका, मुड़ना में आसानी होगी, इन्हों मोड़ दूंगी, और सिलाई बेको लाऊँ पीछे का बैक साइड वाला कंधा जोड़ के ना फिर लगाऊंगी इसका सिलाई, ये बैक साइड वाला का, और ये पट्टी ला लूँ बैक साइड वाला गला का, ये और ये पट्टी लगा दूंगी,
और ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी और इसका भी ये छोटे छोटे कट लगा दूंगी और इसने यूँ मोड़ दूंगी फिर अंदर की साइड, ये फोल्ड कर दूंगी और इस पर सिलाई कर दूंगी। ये जोड़ी पता है अस्तर को और सिलाई लगा दूं दोनों साइडों की। ये लैस लगाऊंगी जोड़ी का। ये कमीज वाला कपड़ा तो उल्टा रख लिया और ऊपर या गोल्डन पट्टी रख ली और ये लैस सीधी और इसका एक एक पंजे का मार्जिन दे के ना सिलाई लगा दूंगी। ये देखो नो तीनों दोनों कठिए लग जाएगी गोल्डन कपड़ा भी और या लैस भी। यह लगा ली जोड़ी पर लैस और भी यह एक्स्ट्रा काट दूंगी। ये देखो ये उल्टी साइड था कपड़ा और सीधी साइड इस साइड है और ये इसने यूँ पलटूंगी तो सीधी साइड आ जाएगी और ये गोल्डन कपड़ा उस साइड। ये भी यह लैस पहले रिविल शिविल टेप गले चिपकाऊंगी फिर उस तक चुन्नट को नहीं आऊंगी नहीं तो नूना नूना खिसक जाए वेलवेट का कपड़ा नहीं हो सड़बट आए बिना को नहीं रंदी। अरे ये चिपक्या पाछ है एकदम तो इतनी अच्छी फिनिशिंग आओगी। ये टेप की दो पट्टी सी रखूंगी इस पर और इसने यूं पलट दूंगी इस साइड। ये इस कपड़े ने यूं पलट दूंगी उल्टा हो जाएगा यू और उल्टी साइड प्रेस कर दूंगी इसका और ये प्रेस गला अच्छी सी तरिया चिपका दूंगी। ये देखो ये लेस तो चिपका ली ये भी आ गोल्डन पट्टी और चिपकाऊंगी इसका पहले प्रेस कर लो और यह गोल्डन पट्टी भी न्यू चिपका दूंगी इसका ऊपर ही प्रेस कर दूंगी। ये कमीज की जोड़ी का चिपका ली और बाजुआ का भी चिपका ली इनका एक एक सिलाई लगानी रहेगी। ये सिलाई और लगा दो ये सिलाई और लगा दो या चिपकाई थी लैस इस पर चिपका पाछा जमा आसान हो जाए है सिलाई लगानी। ये सिलाई लगा ली इस पर जोड़ी पर भी लगा ली कमीज की पर और बाजुआ पर भी लगा ली बाजुआ की फिटिंग की सिलाई और लगा लो। ये भी है कंधे जोड़ूंगी ये अगला भाग है ये पिछला भाग है कुर्ती का और इसने ये बुकरम है जो गला बनाया था इसका ज्वाइंट पर रखूंगी और इसने यूं मोड़ दूंगी और यह सिलाई लगा दूंगी। और इसने डबल सिलाई लगा दूंगी इस पर थोड़ा पक्का हो जाएगा और इसी तरह दूसरा कंधा जोड़ लूंगी और ये देखो ये यूं निकाल दूंगी। ये जोड़ दिए कंधे और इस गले का भी सिलाई लगा दूं कच्ची फिर तुरपाई करूंगी। ये निशान लगा लिए फिटिंग के ये भी नापस में मिलाऊंगी। 32 इंच छाती है 28 इंच कमर है और 40 इंच हिप है इन पर निशान लगा दिए और इन नई भी है सेब पट्टी की मदद से आपस में मिला दूंगी। ये वाली साइड बाहर वाली साइड होनी चाहिए ये जो गोलाई पर है अंदर की साइड तो फिर ये अंदर चला जाऊंगा फिटिंग सही नहीं आओगी और इसने इस पर तो मिला दूंगी और इसी तरह इस साइड लगा दिए निशान और इसके ऊपर ही सिलाई
कर दूंगी। ये फिटिंग का निशान है, फिटिंग की सिलाई लगा दूँ और ये नीचे तो मोड़ दूँ पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा का लैस लगाई है, आगे तो मोड़ना को नहीं। ये कमीज की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, ये निशान पर को एड तक ला दूंगी सिलाई। ये थोड़ा वेलवेट का है, आपस में खिसक जी है, बहुत ही ध्यान से सिमना पड़ा है, थोड़ा अभी खिसक दे, फिटिंग की सिलाई सही को नहीं आओगी, टेढ़ा हो जाएगा, फिरन लग जाएगा ये कमीज पहना पीछे। और दूसरी साइड भी न्यूए लगा दूंगी। ये फिटिंग की सिलाई लगा दी, नीचे तो मोड़ दी, बाजू रहेगी लानी, बाजू और लगा लूँ। ये ज्वाइंट पर ज्वाइंट मिला दिया इनका, बाजू का कुर्ती का, और ये भी इसका सिलाई लगा दूंगी। ये एक बाजू ला दी, दूसरी साइड भी लगा दी एक और। इस साइड का टक्का मशीन गला लाइन जोड़ी गुड़जट आ जाए है, गुड़जट आवे तो इसने यूं रख के ना, और इसने कच्चा कर ले सुई धागे के गला, मैं तो यूं ही करया करूँ, उसमें चुन्नट आवेगी सिलाई कर जोड़ी तो, या तो टेप गला चिपका ले जोरी विल सिविल टेप है, या फिर इसने यूं करके ना, अरे यूं नीचे रख के ना, अरे सुई धागा गला यूं कच्चा करके ना, फिर तुरपाई कर ले, फिर इसमें गुड़जट को नहीं आओगी। मैं तो यूं रख के नीचे, अरे ये कर लिया करूँ मोटे मोटे टक्के लगा लूँ सुई धागा गला, और एकदम तो सही आओगी फिर सीधी सिलाई। मशीन गला बज जाए ये कपड़ा, बदना हुआ है नहीं वेलवेट, इस करके ना नू घूम जाए फिर ये पल्ले, इस तक घूमा को नहीं गए। या रिविल शिविल टेप गला भी चिपका सको, उस तक भी एकदम तो सीधा होगा, उस तक भी घूमा को नहीं गए पल्ले, एकदम सीधा आया है, कोई चुन्नट नहीं पड़ी, तुरपाई करना में जमा आसान नहीं हो जाएगी, और सिलाई लगाना में बज जाए ये कपड़ा, देखो कितना एकदम सीधा। इसी तरह ये इस साइड डाला कर लूँगी। ये देखो चारों हाथ गले टक्का लाया है मोटा मोटा, ये तुरपाई करना में जमा आसानी होगी, और ना ही चुन्नट आई। ये दन्नू साइड इस साइड, और दन्नू पल्ला पे इस साइड, और ये बाजू भी ला दी, कुर्ती होगी तैयार, ये रहेगी तुरपाई करनी सिर्फ, तुरपाई और कर लियो।